14 अक्टूबर सन 2016 और शुक्रवार का दिन है और पुनः हृदय के भावों को लेकर आपके सामने हूं मित्रों। मैं मेरे पास मेरी भाव है और ये मेरे गुरु महाराज जी का प्रसाद है। न मैंने कभी राष्ट्र को भ्रमित किया न भयभीत किया, क्योंकि भ्रम और भय से मुक्ति के दाता देवादिदेव शनिदेव है। और हमेशा मैंने यही कहा कि अपने कर्मों में सुधार को, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा आचरण में शुद्धता और राष्ट्रीय प्रेम करो, भगवान शनिदेव आपका कल्याण करें। और आपका कल्याण हो, आपकी समस्या का समाधान हो, आपके कष्ट मिटे, मुस्कुराता हुआ हमेशा आपके सामने आता हूं और आपसे कहता हूं जरा इन आंखों में देखिए ना, इन आंखों में देखते हुए ओम शाम शनिश्चराय नम, ये 20 मिनट ओम शाम शनिश्चराय नम इस मंत्र का जाप करिए। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेनी, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, मेरी संपूर्ण जीवन भर की तपोभूमि है भाई। और शनिवार के दिन मैं खुद यहां रहता हूं। देवादिदेव शनिदेव की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, दरिद्रता दूर होगी, मनवांछी सफलता मिलेगी, लेनदेन के मसले हल होंगे। बस आराध्य को जीवन में उतारो और जीवन में उतारने के लिए मलिनता अंदर नहीं रहे, इसके लिए ओम शाम शनिश्चराय का जाप करो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। यदि लाख कोशिशों के बावजूद भी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, लाभ की बजाय हमेशा हानि ही रहती है, किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या सर्वार सिद्धि योग के दिन शुभ मुहूर्त में श्वेतार की जड़ लेकर आइए, लकड़ी से खोदकर छोटी सी जल, गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए। ओम ऐं क्लीं श्रीं इस मंत्र का जापूर्ति गंगा जल से पवित्र करें, पुनः सफेद कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी, अपने गले या अपने बाजू में धारण कर दीजिए, बहुत अद्भुत रहेगा। लेकिन पूजा पहले इसको लेके आई, लकड़ी से खोदकर गंगा जल से पवित्र करिए, ओम ऐं क्लीं श्रीं इस मंत्र का जाप करते सफेद कपड़े पर रख दीजिए, श्रद्धापूर्वक पुनः जल गंगा जल का छीटा दीजिए, पंचामृत का छीटा दीजिए और पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, घी का दीपक जलाई हर रोज उसके सामने, ओम ऐं क्लीं श्रीं इस मंत्र का जाप करिए, अपने गले में धारण करिए, चाहे बाजू में धारण करिए या पूजा स्थान में रखिए, कष्ट सारे मिटेंगे। ये अद्भुत है, अद्भुत है। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार के पंचांग की। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2073 और शुक्रवार का प्रातकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चंद्रमा कुंभ राशि में है। अब बात उनकी करते जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 14 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामना, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना। 14 अक्टूबर आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपका मन काम में नहीं लग रहा है, परिश्रम के बावजूद भी धन का लाभ नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक हमेशा अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शादी विवाह के मसलों को लेकर आप परेशान हैं, तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। एक बहुत जरूरी है, पारिवारिक सदस्य और महिला मित्रों के साथ साझेदारी में कार्य शुरू नहीं करें, मानसिक तनाव रहेगा। 14 अक्टूबर आपका जन्मदिन है तो एक कानून बना दीजिए, ना किसी का बुरा करें, ना किसी की बुराई करें, बुरा भी नहीं करें और बुराई भी नहीं करें। और कैरियर कारोबार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण सदानुसार गाय का घी 7 चुटकी हल्दी डालकर अपने 7 बार उसार शुक्रवार दिन राहुकाल ग्रहण किसी सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिए या किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, बात करते हैं शुक्रवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि समय थोड़ा सा प्रतिकूल, धन आने की संभावना है, कारोबार या कार्य व्यवस्था में गड़बड़ी और व्यवधान की समस्या उत्पन्न हो सकती है, प्रतिकूल स्थान परिवर्तन का योग है और पारिवारिक असहयोग से मन बेचैन रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का है भाई, क्या करें,
श्रद्धानुसार साबुत मशहूर। विधवा सफाई कर्मचारी को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें तो बुजुर्गों के मशवरे से पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी। क्या ना करें, जोखिम के कार्य में हाथ ना डालें, न मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत। आज संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। भाई बंधु और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी और नौकरी में उन्नति का योग है। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे। सारा दिन खुशियों से बीतेगा। तो क्या करें, फिर भी संतान की इच्छा पर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें, आवश्यकता के अधिक पूंजी निवेश आज ना करें। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों गोचरीय संकेत रहे कि सामाजिक मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार में सफलता, कारोबारी परेशानियों का निवारण, नवीन कार्य में रुचि बढ़ेगी और इच्छित कार्य सिद्ध होंगे। नई ऑर्डर, नए टेंडर से प्राप्ति को धन लाभ बढ़ेगा। घर परिवार का परिवार में प्रसन्नता युक्त वातावरण रहेगा। नवनारायण क्या करें, व्यवसायिक वस्तु की खरीदारी करें। क्या ना करें, किसी को भी धन उधार ना दे। नवनारायण मेष वृषभ और मिथुन की बात करी, करक सिंह और कन्या की बात करूं, लेकिन उससे पहले राहुकाल और आज की यात्रा। शुक्रवार का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा की। शुक्रवार दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ रहेगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन समय और साधन बदल गए हैं और व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो आप चारों दिशा में यात्रा करिए। लेकिन शुक्रवार दिन मां लक्ष्मी की श्रीचरणों में गाय के घी का दीपक जलाइए, नीले कमल का पुष्प भेंट करिए और दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमोनारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों गोचर थोड़ा सा मध्यम है। लाभ प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और परिवार को साथ लेके चले तो दैनिक कार्य गति सामान्य रहेगी, आय व्यय का संतुलन बना रहेगा, किसी नए काम के संबंध में अनुबंध प्राप्त होगा और यात्रा भी लाभदायक रहेगी। क्या करें, बहुत जरूरी पारिवारिक वातावरण संतुलन बना रहे, इसलिए अपनों की सुनना बहुत जरूरी। क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले गोचर ये कह रहा है कि आज थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समय प्रतिकूल है, कार्य व्यवसाय में बाधा है, परेशानी का सामना है, आय के साधन सीमित हैं, खर्चे बढ़ चढ़कर होंगे, तो ये परेशानी भी है। मन में उदासीनता का वातावरण भी है और कार्य के प्रति अरुचि भी है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा है। श्रद्धानुसार गेहूँ कुष्ठ रोगियों को दान में दीजिएगा, इस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज न करें। नमन। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों समय शुभ है। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों के सहयोग से परेशानियों का समाधान मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, व्यवसाय में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और नौकरी आदि के क्षेत्र में भी सफलता हासिल करेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। क्या करें, किसी जरूरतमंद की मदद करना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बहुत जरूरी है। अत्यधिक आत्मविश्वास को न बढ़ने दे। नमोना रहे। करक सिंह और कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक और धनुराशि की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, शयन कक्ष में एक ही दरवाजा होना चाहिए। दो दरवाजे नुकसान देते हैं शयन कक्ष में, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमोनारायण। और बात करते हैं शुक्रवार के सुझाव की। यदि अनावश्यक भय और भ्रम और भ्रांति रहती हो, निर्णय लेने में परेशानी आ रही, आज के दिन लाल हकी की 108 दाने की माला हनुमान जी की सिरचरणों में भेंट करिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमोनारायण। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि समय उत्तम। सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे, स्वजनों का सहयोग मिलेगा,
मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे, कारोबार में लाभ होगा, कानूनी क्षेत्र में विजय होंगे, शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, पिछली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, अपना का सहयोग, सरकार से लाभ, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और धीरे धीरे व्यापारिक कार्य स्थिति भी अनुकूल होने लगेगी। आय व्यय का सामंजस्य बना रहेगा, सामाजिक और धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और घरेलू जीवन में सुख और सहयोग बना रहेगा। क्या करें? थोड़ा सा पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? व्यर्थ का तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दे। नमोनारायण। और बात करते हैं धनुराशि। थोड़ा सा धनुराशि वालों, थोड़ा सा सावधानी, गोचर आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। वाहन और संपत्ति के क्रय विक्रय में हानि की और कष्ट की संभावना है। ध्यान रखे कोई गैर कानूनी कार्य आज ना हो। माता की स्वास्थ्य की चिंता, बनती कार्य में व्यवधान, सहकर्मियों के साथ बात न बिगड़े इस पर भी ध्यान दे और खर्चों पर नियंत्रण। सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन आप क्यों भयभीत हो रहे? दाती महाराज आपके साथ है। श्रद्धानुसार चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर गरीब निर्धन स्वाघन स्त्री को दान में दीजिएगा, आज अच्छा रहेगा। क्या करें? स्वजनों से उत्तम व्यवहार करें। क्या ना करें? लंबी यात्रा ना करें। नमोनारायण। तुला, वृश्चिक और धनु की बात करें। अब मैं मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करूं, लेकिन उससे पहले उपाय और नुस्खे। यदि प्रयासों के बावजूद भी आपका काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार आपको काम बदलना पड़ता है, कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो मंगलवार दिन नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के श्री चरण में 11 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। पूजा के उपरांत हनुमान जी के दोनों कंधों का सिंदूर लेकर तिलक करें, बहुत लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं नुस्खों। यदि आपका कान ठीक नहीं, तो देखिए ENT से तुरंत संपर्क करें। आप कान संबंधी परेशानी के लिए लापरवाही नहीं करें, लेकिन ये छोटे छोटे नुस्खे इन्हें भी अपनाएं। यदि कान बहरा हो तो बबूल के फलों को सरसों के तेल में डालकर आग में जला दिया जाए। उस तेल को छानकर कान में दो बूंद डाल दीजिए। सरसों के तेल में बबूल के फल डालकर उसे पकाइए, नीचे उतार दीजिए और दो बूंद डाल के दे। यदि कान बहरा है तो 12 ग्राम सरसों का तेल गर्म करके उसमें बोरिक एसिड का पाउडर 4 ग्राम मिला दे। ठंडा होने के बाद दो बूंद कान में डाली, तुरंत राहत मिलेगी। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत। नए कारोबार में पूंजी निवेश से लाभ होगा, स्वजनों और कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, मन में प्रसन्नता और धन लाभ होगा, यात्रा बड़ी सुखद रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। क्या करें? अनुज और सहकर्मियों से थोड़ा सा मधुर व्यवहार रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े। नमूना ने बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, गोचर यह संकेत दे रहा है कि गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में भी ठीक रहेगा, नौकरी में भी अच्छा रहेगा, अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा, लेकिन विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़े और आंखों संबंधी बीमारी के प्रति लापरवाही नहीं बरते। क्या करें? पारिवारिक सदस्यों के सुख का ध्यान रखें। क्या ना करें? धन का अपव्यय ना करें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। मन में नई आशा और उत्साह बना रहेगा, परेशानी झंझट से छुटकारा मिलेगा, कार्य गति तेज रहेगी, धन लाभ के एक से अधिक साधन खुलेंगे और घरेलू वातावरण सुखद रहेगा। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाए। क्या ना करें? वाहन आदि को तेज ना चलाए। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपके पास है साथियों। नमन। छोटा सा ब्रेक के बाद मां लक्ष्मी को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमन। लेकिन छोटा सा ब्रेक। नमन। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज बिना वजह ऋण का बोझ बढ़ रहा है,
बिना कारण अनावश्यक रूप से कर्जा बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आज शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। आज के दिन नित्य कर्म नियोग से नान उपरांत पूजा स्थान में अंगुष्ठ प्रमाण भगवान श्री हरि विष्णु की धातु की प्रतिमा स्थापित है। जल गंगा जल पंचामृत से स्नान कराए, पुनस्व जल से स्नान करे, श्रद्धा पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात दक्षिणावर्ती पूजन करने में घी का दीपक जले और शुद्ध देसी का घी दीपक जलाने के बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान ओम सर्वदीपिकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए। पुनः जल गंगा जल से पुनः स्नान करें, स्वच्छ जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनाई, घी का दीपक जलाए, सर्वदीपिकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, संपूर्ण कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। नमन और बात करते हैं शुक्रवार के जीवन मंत्र की। सत्संग का अद्भुत दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पहला संकल्प की विस्मृति ना हो। सदगुरु महाराज का सत्संग सुनने से, संतों का सत्संग सुनने, संतों के सानिध्य में दो उद्देश्य पूरे होते हैं, एक संकल्प की विस्मृति नहीं हो और स्वयं को जानने की ललक बनी रहे। क्योंकि साथियों जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने संकल्प को विस्मृत कर देगा, अपने संकल्प को भूल जाएगा, उसके पास सुख नहीं रह सकता, सफलता नहीं रह सकती, चैन नहीं रह सकता, उन्नति के अवसर नहीं रहते हैं। सत्संग केवल प्रभावित होने के लिए नहीं होता है, जो सत्संग की सीख है, जो सत्संग के भाव है, यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन भी और पारिवारिक जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। छोटा सा ब्रेक, नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु से यही प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, शनिवार का राशिफल, देवाधिदेव शनिदेव को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव, देशी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर लगे आज पुनः संपूर्ण राशि अपनी गुनाह, अपनी गलती, अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।